अस्सलाम दोस्तों, आज मैं आपको कैडर कंपनी का स्केल है HD 100। प्रॉब्लम यह है कि 10 kg का वेट रखा हुआ है, 10 kg 300 ग्राम बता रहा है। इसको हम वेट को उतार लेते हैं, कैलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। इसका फन और इंटर टू टाइम दोनों को इकट्ठे दबाना है ना देना। ये आ गया सेटअप, आ गया फिर एंटर करेंगे, टू अप आ गया फिर एंटर करेंगे, FLU आ गया फिर एंटर करेंगे, LB आ गया 0 फिर एंटर करेंगे। ये कहता है डेसिमल पॉइंट 50 ग्राम के ऊपर, ठीक है ये ठीक है, ये रखा हुआ है ये भाई, मतलब सेटिंग ओके है, इसको नहीं चढ़ेंगे। आप इंटर करेंगे, वो कहता है कि इशारे के बाद 3 हिस्से चलाने हैं DP2 जैसे T6 की कैलिब्रेशन होती है। अच्छा ये DP3 आ गया, फिर एंटर करेंगे, कैपेसिटी मांग रहा है, कैपेसिटी हम इंटर दबाएंगे। यहाँ पे 200 kg की कैपेसिटी लिखी हुई है, 300 kg का लोड से लगा हुआ है, हमने ये फिगर दे दी है। फिर आप इंटर करेंगे, कॉल 0 आ गया, कॉल 0 के ऊपर कोई प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर एंटर करेंगे, अब स्पेन आ गया, आप वेट रखेंगे स्पेन के ऊपर, वेट 10 kg का वेट लोड से लोड रख दिया। फिर एंटर करेंगे, यहाँ पे कैपेसिटी शो कर रहा है जैसे पहले लिखी थी, यहाँ पे हमने 10 kg करना है। फन की मदद से इसको आप मतलब है कि फिगर को 2 या 3 अप डाउन कर सकते हैं। ये देखें, ये अब यहाँ पे 0 करना है इसको, ये जहाँ पे 0 आ गया, और 0 की मदद से सरकार को यहाँ पे ले आएंगे दूसरे डिजिट में, ये यहाँ पे आ गया। फन की मदद से वहाँ यहाँ पे 1 लेंगे, ये 10 kg पूरा आ गया, 10 kg पूरा आ गया। उसके बाद इंटर करेंगे, एंड आ गया, फिर एंटर करेंगे। ये थी हमारे दोस्तों कैडर कंपनी की HD 100 की कैलिब्रेशन। मेरा ये कहता चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए रेड बटन को भी क्लिक करें।